जिला के गांव ढाणी माहू निवासी राकेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी सूचना मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे और डायल 112 पुलिस को इत्तला दी गई। राकेश को जब तक अस्पताल लाते तब तक देर हो चुकी थी, यानी रास्ते में ही वो दम तोड़ चुका था। पुलिस मामले को लेकर मौके पर जांच पड़ताल कर रही है तथा परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। मैं डाणीमा का निवासी हूँ। मेरे से बड़ा भाई है, सुबह फोन आया था उसका मेरे पास, बोले अभी रात को मेरी बाइक छीन ली और मेरे मार के गए हैं, मुझे घेर के चले गए। हम मैं सुबह 9 बजे पहुँचा हूँ उसके पास, जाके देखा है मुँह से खून निकल गया था। और उसको जैसे ही पहुँचा हूँ, मैंने 112 डायल की है, एम्बुलेंस बुलाई है और एम्बुलेंस में जैसे उसको पहुँचाया भिवानी सिविल में, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। यहाँ अब हम पहुँचे हैं, हम पोस्टमार्टम की मांग चाहते हैं और न्याय मिलना चाहिए, किसने क्या वारदात की हुई है इसकी पूर्णतया जांच हो। रामकेश नाम था, 38-39 उम्र हो गई थी उनकी। वो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे, नशा पता कर लेते थे ड्राइवर होता ही है। कल दिनौत गांव की घटना है, ये सपेले वाले अड्डे के पास, सोनू नाम है मेरा। नहीं, किसी पे कोई शंका वगैरह नहीं है, ये 4-5 पहले भी घटना हो चुकी है, दिनोद में अभी चल रही है घटना, पहले भी संज्ञान में ली गई है। तो रास्ते में रोक कर बाइक वगैरह पिटाई छिटाई कर रहे हैं और कल ये मेरे बाइक के साथ वारदात हो गई, हमने अपना खो दिया। आगे इस पे पूर्णतया जांच हो, दिनोद गांव के सरपंच संज्ञान में लें, ये घटनाएँ क्यों हो रही है, वो गाँव के मुख्य मालिक हैं।